हमने अपनी जर्नी शुरू की थी सुबह 6 बजे दिल्ली से और अभी टाइम हो रहा है 8। अभी हम अंदर जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम जा रहे हैं अचरोल फोर्ट पर। बताते हैं कि इसको मेंटेन नहीं किया गया तो एक तरह से खंडर बना हुआ है। खंडर है तो फिर देखते हैं कोई भूतनी मिलती है कि नहीं। यह राजा का महल, ये है यहाँ पर कुआं और ये है मंदिर। क्या हुआ, चला नहीं जा रहा है? फाइनली किले पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम अभी अंदर घुसे हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं पीछे किला, दोस्तों हमें फाइनली मेन गेट मिल गया यहाँ का। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ का मेन गेट और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। पानी, ये काफी खतरनाक लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे एक छोटा कुआं सा है, तो दरवाजा देखियो। मैं नहीं जा रहा आगे, डेमो तो डेमो, मैं नहीं जा रहा हूँ। कौन जाएगा पहले? मैं जाऊंगा और कौन जाएगा? चलो, आप खतरों के खिलाड़ी हो बिल गेट्स। मैंने टॉर्च जला लिया दोस्तों, अंधेरा लग रहा है काफी सामने। चमगादड़ों की काफी खतरनाक आवाज आ रही है अंदर से। वापिस चलते मर जाएंगे, वापस चलते हैं। इसको जाने दो, रहने दो, हम नहीं जा रहे। दोस्तों अभी यहाँ पर एक सीन हो गया है। जैसे ही आशीष हीरो बनकर अंदर घुसा तो एकदम उसके फेस पर एक चमगादड़ आ गया और वो चिल्लाता हुआ बाहर भाग आया है, जिसने हमें और भी ज़्यादा डरा दिया। तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स किया है और अब हम कपड़े से अपने फेस को कवर कर कर तीनों एक साथ अंदर घुस रहे हैं। बस 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 बस। दोस्तों बड़ी मुश्किल से आए अंदर क्योंकि बीच में एक रास्ता था जो काफी खतरनाक था। सो दोस्तों फाइनली हम किले के सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं और जो अभी तक की हमारी सारी मेहनत थी वो थी इस व्यू के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे का व्यू, यहाँ से पूरा अचरोल दिख रहा है। ये पूरा अचरोल गांव है यहाँ पे और दूर दूर तक अरावली पर्वत दिख रही है आपको, हरियाली दिख रही है, इतना सुंदर व्यू है यहाँ पे। सही में ऊपर आना एकदम वर्थ है। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर की, यहाँ से कितना पास सी लग रही है। बाकी काफी एडवेंचरस रही है, क्या कहते हैं गुप्ता जी? थक गए यार ऊपर आते आते। सही में गर्मी होने की वजह से प्यास बहुत लग रही है। अभी पानी हम साथ लेकर आए हैं और आप भी अगर यहाँ पर आ रहे हो तो पानी जरूर साथ लेकर आए, और कुछ लाए ना लाए। तो अभी हम यहाँ पे पानी पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे यहाँ के ड्रोन शॉट। और हम ये आसमान की ऊंचाइयों में, कैसा लग रहा है त्यागी जी? सही में बहुत अमेजिंग लग रहा है। जो व्यू है ना यहाँ का, उसी के पैसे है बस यहाँ पे सारे। जितने भी मेहनत करके हम यहाँ पर आए हैं वो सारा का सारा वर्थ है। आप वो सामने जो देख रहे हैं, ये पूरा अचरोल गांव है जहाँ पर हमने नीचे अपनी कार पार्क की है और वहाँ से पैदल ट्रैक किया है। और मैं यहाँ के ट्रैक की बात करूँ तो लगभग 1.5 किलोमीटर का था, बट हमें 1.25 घंटा लग गया क्योंकि ट्रैक जो है वो बिल्कुल स्टीप है और गर्मी भी है। वैसे ऊपर हवा काफ़ी अच्छी लग रही है और ये सारा व्यू। तो दोस्तों ये तो है किला और जो राजा का महल है वो नीचे है जहाँ से हमने ट्रक स्टार्ट किया था। जैसे नीचे अंकल जी ने बताया था, ये अचरोल के महाराजा का किला है। अचरोल पूर्व में ढूंढाड़ नाम से कहे जाने वाले प्रदेश का हिस्सा है और आमेर के राजा महाराजा पृथ्वीराज के 12 लड़के थे, उनमें 5वें लड़के बलभद्रोत के बेटे अचलदास ने शासन करके अचरोल नाम रखा इसका। ये 15वीं शताब्दी में बना था। और यहाँ पर सिर्फ हम ही तीन हैं, बाकी और कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान है अभी ये। हॉन्टेड प्लेस है, पूरी हॉन्टेड प्लेस है, पूरा हॉन्टेड प्लेस सा लग रहा है यहाँ पे। पोजेस्ड सा ऐसा लग रहा है, पोजेस्ड है हम। गुप्ता जी ने पर ताबीज वगैरह बांधा हुआ है। ताबीज वगैरह बांध के लाए ने। इनको कोई टेंशन नहीं है। और अभी यहाँ पर गुप्ता जी ने एक काफी अच्छी चीज ढूंढी है, वो आपको दिखा रहे है। बताइए, ये पुराने जमाने का थोड़ा सा बाथरूम टाइप लग रहा है। ओके, रानियां वगैरह सब यही नहाती थी। अब रानियां तो नहीं है, खैर इमेजिन कर लो आप अपने आप को। रानियां कैसे नहाती होंगी यहाँ पे? पहले तो इतने ऊपर आके नहाना ही वैसे गलत है।
इसीलिए जल्दी मर गई रानियां, है ना? क्या बोलते गुप्ता जी, अगर वे इतने ऊपर आकर नहीं नहाती तो शायद अब तक जिंदा होती रानियां वगैरह। वैसे ये है, थोड़ा फैंटेसी के लिए उन्होंने बनाया था अपने ऊपर कि अब ऊपर आके थोड़े से आतंक मचाएंगे। अब 1522 में भी क्या क्या होता था किले में, अब बताओ। अगर आप भी थोड़ा एडवेंचर के शौकीन है तो यहाँ पर आ सकते हैं। बस अब नीचे उतार दो दोस्तों, मुझे लैंड करा दो। और अब गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई 100-200 फालतू ले लेना, बस मुझे नीचे लैंड करा दो किसी भी तरह से। तो दोस्तों चलो, अब आगे भी हमें काफी एक्सप्लोर करना है, तो भी अब यहाँ से नीचे चलते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का सबसे खतरनाक रास्ता। ये था सबसे खतरनाक रास्ता जिसे हम क्रॉस करके आए हैं। तो भैया हम लगभग 80% ट्रैक पूरा कर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं उतरकर। और जब भी आप यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा चलते ही ये एक तालाब आता है। पहले काफ़ी सुंदर तालाब हुआ करता था, बट बिकॉज़ यहाँ पर मेंटेन वगैरह नहीं कर रहे किसी भी चीज़ को ऊपर, ना किले को ना यहाँ पर, तो अब ये इसमें आप देख सकते हैं पानी, बारिश का गंदा पानी भरा हुआ है। अगर ये तालाब को मेंटेन करके रखते सच में बहुत सुंदर लगता है। रानियों ने नहा नहा के सारी गंदगी यहीं निकाली है। और हमारे जो गुप्ता जी है वो रानियों के पीछे पड़े हुए हैं, तब से हर गलती रानियों की निकाल रहे हैं। सही में, और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और इतनी गर्मी है यहाँ पे, हम आपको बता नहीं सकते। बाकी आप अगर यहाँ पर आ रहे तो या तो सुबह को आए जल्दी थोड़ा ठंड में, या फिर शाम को। और बाकी एडवेंचर काफ़ी हो गया हमारा यहाँ पर, काफ़ी थक भी गए हैं। और घर बैठे जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ये काफ़ी खतरनाक है। ये गुप्ता जी जैसे प्रोफेशनल की निगरानी में कर रहे हैं हम। और कुछ बोलना चाहोगे गुप्ता जी? चले नीचे चलते हैं। चलिए तो नीचे ही चलते हैं। अगर आप अचरोल आए हैं तो आप ये पपीते का शेक ना पीना भूलें। तो जैसे आप अचरोल गांव में एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको शॉप मिल जाएगी जहाँ पे पपीते का शेक मिलता है। तो चलिए पीते हैं, आपको बताते हैं फिर कैसे। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा गुलाब जल जैसा भी टेस्ट आ रहा है। पपीता और गुलाब जल शायद मिस कर रखा है इसलिए इसका कलर भी थोड़ा पिंक है। पपीता शेक बहुत ही अच्छा था, सही में कसम से मजा आ गया पी के, एकदम रिफ्रेश हो गए हम। तो चलिए अब आगे चलते हैं जयपुर के लिए। तो दोस्तों अभी 3 बज रहे हैं और फाइनली हम जयपुर पहुंच चुके हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारा हॉस्टल, तो इस हॉस्टल में रुके हुए हम। और फिलहाल हम ये वीडियो यहीं पे अब खत्म करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी घुमक्कड़, बी सेफ, टीम जियो जी साइनिंग ऑफ।